हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे पत्थरचट की। ये बहुत ही फायदेमंद पौधा है फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे इसकी मिट्टी, खाद, इसको कैसे लगाते हैं और इसके फायदे क्या हैं। फ्रेंड्स, इसमें छोटे छोटे बहुत सारे बेबी प्लांट्स आ जाते हैं अपने आप ही। अगर ये एक भी पत्ती टूट के नीचे गिर जाती है तो इसमें बहुत सारे बेबी प्लांट बन जाते हैं। अगर आपको कहीं से भी एक पत्ती इसकी मिल जाए तो आपका प्लांट तैयार हो जाएगा। या आपको इसकी कहीं से भी ये कटिंग मिल जाए, छोटी सी छोटी कटिंग भी इसकी चल जाती है। नहीं तो आप पड़ोस से या कहीं से भी एक इसकी पत्ती लेके आ जाइए, बस इसी से आपका प्लांट तैयार हो जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, इसकी पत्तियां थोड़ी मोटी मोटी होती हैं, ऐसे चिकनी चिकनी और मोटी। ये एक सकुलेंट है और इसकी पत्तियों में ही इसमें फ्रेंड्स इसे बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। बहुत कम पानी चाहिए क्योंकि इसकी पत्तियों में पानी स्टोर होता है। ये देखिए, पानी स्टोर हो जाता है इसकी पत्तियों में ही। फ्रेंड्स, इसकी मिट्टी वेल ड्रेन होनी चाहिए। इसकी मिट्टी 50% सॉइल गार्डन सॉइल होने चाहिए, 30% सैंड मिला लीजिए और 20% आप बर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद कुछ भी दे सकते हैं आप वो मिला के लगा दीजिए। बस इसकी मिट्टी में पानी नहीं रुकना चाहिए, नहीं तो इसकी जड़ें गलने शुरू हो जाती हैं। बस चिकनी मिट्टी नहीं होनी चाहिए। चिकनी मिट्टी में हो, अगर चिकनी मिट्टी होती है तो इसमें थोड़ा सा सैंड आप ज़्यादा मिला लीजिए। और फ्रेंड्स, इसके जो ये पॉइंट है, आप ये देख रहे हैं, ये कट देख रहे हैं, ये दिख रहा होगा, इसके जो ये कट हैं इसी में ग्रोइंग पॉइंट होता है। इसी से छोटे छोटे बेबी प्लांट्स निकल आते हैं। फ्रेंड्स, इसमें बहुत ज़्यादा खाद नहीं चाहिए। आप थोड़ा बहुत खाद इसे दे दीजिए 2-3 महीने में, बस। देखिए ये देखिए, एक प्लांट्स में ही बहुत सारे बेबी प्लांट्स आ जाते हैं, बहुत सारे पौधे तैयार हो जाते हैं। आप चाहो तो इसकी ये टहनी है, यहाँ से कट करके आप ये दूसरा प्लांट तैयार हो जाएगा। यहाँ से आप इसकी टहनी भी लगा सकते हो, ये कटिंग तैयार हो जाएगी अगर आप लगाते हो तो। एक ये कटिंग हो गई, एक ये कटिंग हो गई, बहुत सी कटिंग तैयार हो जाती हैं। अब हम बात करेंगे इसको यूज कैसे करते हैं, इसके बेनिफिट क्या है इस प्लांट के। तो फ्रेंड्स, ये पथरी में इसकी पत्तियों का रस भी आप पी सकते हैं या पत्तियां भी। सुबह आप खाली पेट आप इसे साफ करके, दो पत्ती आप सुबह खाली पेट गुनगुने पानी से आप चबा चबा के खाएं। इसकी जो ये पत्तियां हैं, आप इसकी 2 पत्ती लेके सुबह धुल के खाली पेट आप गुनगुने पानी से इसे खा सकते हैं, चबा चबा के खा लो। अगर आप नहीं खा पाते हैं तो इसका रस निकाल के पी सकते हैं, बहुत ही फायदा करता है ये पत्थरचट।
अगर किसी के कान में दर्द हो रहा हो तो इन पत्तियों को गर्म करके इसमें आगे के साफ करके और यहाँ पे वो तेल ऑयल लगा के इसे गर्म करना चाहिए, और फिर मसल के इसका रस निकल आता है, तो वो गुनगुना रस जो है कान में डालना चाहिए, तो इससे कान का दर्द ठीक हो जाता है। और फ्रेंड्स, इसकी जो ये छोटी पत्तियाँ होती हैं, ये देखने में बहुत ही सुंदर लगता है, इसकी पत्तियाँ बहुत अच्छी लगती हैं। अगर ये मैच्योर हो जाता है, जब ये मैच्योर हो जाता है तो इसमें भी फ्लावर आ जाते हैं। फ्रेंड्स, तो अब मैं इसे लगाना बताऊंगी। बस आप इसकी मिट्टी बनाइएगा तो उसमें सैंड की मात्रा थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि ये सकुलेंट्स प्लांट है, इसको इसमें पानी की बहुत कम जरूरत होती है, इसकी पत्तियों में ही पानी स्टोर रहता है, और पानी मतलब इसके गमले में जमा नहीं होना चाहिए, मिट्टी वेल ड्रेन होनी चाहिए कि पानी इसमें स्टोर नहीं होना चाहिए कि पूरा पानी निकल जाए। आप इसके छोटा सा पौधा भी लगा सकते हैं, इसकी पत्ती से भी इसको ग्रो कर सकते हैं। ये जो ग्रोइंग पॉइंट है, यहाँ से छोटे छोटे बेबी प्लांट्स आ जाते हैं, और आप इसकी कटिंग भी लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं इसकी कटिंग लगाना और पत्तियों से ग्रो करना दोनों ही बताऊंगी, और फिर मैं थोड़े दिनों बाद इसकी अपडेट भी देती रहूँगी, कैसे क्या होता है, कितने दिनों में ग्रो होता है, क्या होता है। ठीक है फ्रेंड, तो मैं अभी बताती हूँ इसको ग्रो करना। ये ज़्यादा अच्छी होती है, और बहुत आसानी से चलने वाला प्लांट्स है ये, और इसके बेनिफिट बहुत ज़्यादा हैं। कोई भी अपने गार्डन में इसे ऐड कर सकता है, जैसे हम ये फूलों के प्लांट्स लगाते हैं, फूलों के प्लांट्स के बीच में हम इन्हें भी ऐड कर सकते हैं। इसके पत्तियां भी बहुत सुंदर होती हैं, बहुत सुंदर पौधा लगता है। फ्रेंड्स, अब मैं इसकी कटिंग लगाना और इसके पत्तियों से कैसे ग्रो कर सकते हैं मैं ये बताती हूँ। अब हम यहाँ से कोई भी एक पत्ती ले लेंगे, ये पत्ती मैंने तोड़ ली, और इसकी ये बेबी प्लांट्स ले लेंगे। अगर आपको बेबी प्लांट्स मिल जाते हैं, क्योंकि इसमें बहुत से होते हैं, अगर आपकी एक भी पत्ती इसमें से टूट के गिर जाती है गमले में, तो बहुत सारे बेबी प्लांट तैयार हो जाते हैं। आप इसकी कटिंग भी लगा सकते हैं। अभी ये वाली है, मैं आपको बताती हूँ। ये कटिंग है, ये मैंने मिट्टी रखी है, इसको ज्यादा दबाते नहीं है, बस इसे हल्का से ऐसे कर दिया। ये पत्ती से प्लांट ग्रो करने के लिए इसके पत्ती को हम ऐसे रख देते हैं, और ये कटिंग, इस कटिंग को भी हम ऐसे ही लगा देंगे, हल्का सा बस दबा देना है। एक और रख देती हूँ फ्रेंड्स, फिर मैं इसकी अपडेट दिखाती हूँ। ये 8 से 10 दिन में ही इसमें बेबी प्लांट निकलने लग जाएंगे। इनकी पत्तियों में कहीं भी मिट्टी टच होती है, बेबी प्लांट्स आ जाते हैं। फ्रेंड्स, ये देखिए, ये मैंने कटिंग और पत्तियां दोनों से ही मैंने इसे बताया है
तो आपको जो भी चीज मिल जाए, जो भी प्लांट्स मिल जाए, पत्ती मिल जाती है पत्ती से, नहीं तो ये इसकी कटिंग भी बताई है मैंने, ये 1 वीक का टाइम लगेगा इसे चलने में। इसके बाद मैं इसकी अपडेट दूंगी। और ये पौधा फ्रेंड ज़्यादा बढ़ तो फिर मैं इसकी अपडेट दिखाऊंगी। ओके बाय।